Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This is Sarika Chaudhary. Just मैं सो के उठी हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, 12 नहीं 11:30, और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊँ फिर बालकनी में. ये रहा, आज है सैटरडे और सब इंजॉय कर रहे हैं. अभी फिलहाल अंदर चलते हैं. अभी कल हमने शॉपिंग की, बाहर से चीज़ें लेकर आए, वो तो आपने देखा ही होगा. ये जो चीज़ें हैं इसकी भी हॉल दिखाऊंगी मैं हमने आपको. वैसे अपने शॉपिंग करते हुए देखा ही होगा, और हमारे पास बोल नहीं है तो ये गिर रहा है. मुझे बोल ख़रीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अभी रवि नीचे गए हुए हैं, हमने कुछ ग्रॉसरी आइटम्स मंगवाए हैं फाइनली, तो अब हम लो. अच्छा नहीं, अपने आप बंद हो गया, तो वो पिकअप करने गए हुए हैं. तब तक मैं अपना बेड लगा लूँ. अभी जस्ट सोकर जगे हैं हम लोग. इट्स अ ब्यूटीफुल डे. रवि आ गए हैं, हमारा ग्रॉसरी कर रहा था, ये देखो हमारा ग्रॉसरी आइटम आ चुका है ग्रैब से. एक्साइटेड, हमारी अब ग्रीन सब्जी भी आ गई. चलो एक ये कर दिया, पैन कर दिया, पैन आई थिंक यही था हमारा. ये देखो, ये सबसे बड़ा आया थी लिखा है कहीं, काफी प्यारा था ये. गाइस तो अभी हम ऑनलाइन थोड़ी शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे थे, बट सुबह है ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है, तो अभी फिलहाल के लिए चलते हैं. पहले मैं ब्रश करती हूँ एंड देन वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट, एंड उसके बाद हम ब्रेकफास्ट में क्या कर रहे हैं वो देखकर आप हैरान रह जाओ. मेरे पापा ऐसे ही करें. बेड तो रेडी हो चुका है, चलते हैं किचन की ओर, बनाते हैं कुछ खाने को. बाहर की व्यू ऐसी है. वीकेंड मैंने ये सारी हॉल वीडियो जो है अभी फिनिश किए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि अब खाना बनाने की ओर बढ़ते हैं. खाना नहीं, कम से कम मैं काला चना अगर बना लूँ तो आने के बाद राइस बना लूँगी. वैसे रवि कह रहे हैं कि उनको पोहे के साथ खाना है, और किचन की हालत थोड़ी ख़राब हो रखी है, तो मैं अभी फटाफट इसको क्लीन करती हूँ फिर वापस आती हूँ. काला चना, अब देखते हैं धीरे धीरे प्रोसेस कैसे होता है. स्टे ट्यून्ड. कल अब इसको उठाकर जगह पे लगाना इज अ टास्क. ऐसा लग रहा है काम करना पड़ेगा. जब तक खाना नहीं था घर में ना, बाहर से ऑर्डर कर रहे थे, अब घर का खाना बनाना पड़ेगा. चलो कोई नहीं, रखते हैं काम पर. We'll be right back.
भी कुछ चीज़ें बची हुई है, काफ़ी कचरा फैल गया, हमें क्लीन करनी है। एंड मैं सोच रही हूँ थोड़ा यू नो स्विमिंग के लिए जाएं, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा हो रहा है और थोड़ा रिलैक्स करने का मन भी। ऑलरेडी ऑलमोस्ट कर धीरे 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 ऑलमोस्ट यू नो सेट हो गया है, कुछ चीज़ें बची है वो भी हो जाएगी धीरे धीरे। बट सर मैंने कुकिंग करना स्टार्ट करा है, ये प्याज मैं भी कट करूँगी, ये भी रेडी रेडी हो चुका है। सो विदाउट वेटिंग और वेस्टिंग माई टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज फिर ये जल जाए। यहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी, वैसे बनाते कैसे हैं, इंडियन स्टाइल से ही बना रही हूँ, बट फर्स्ट टाइम इस घर में कुकिंग कर रही हूँ तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और मेरे हाथ का खाने के लिए अभी कब से बेताब है, तो ये रवि ने ही बोला था अभी जस्ट, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। ये मैंने तो नहीं बोला। कचरा फेंकने के लिए भी एक छोटा सा डस्टबिन यहाँ पे लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। और चीज़ें भी अरेंज नहीं है ना, चीज़ें थोड़ी इधर उधर है, तो फिर जब यूज टू सब कुछ होता है, एक बार किसी चीज़ की यूज टू हो जाओ ना, फिर इट्स एवरीथिंग इज इजी इन लाइफ, राइट रवि? और मैं ना फॉरेन कंट्रीज में करती थी, मतलब फॉरेन ब्लॉगर्स को देखती थी ये वाले पेंस करते हैं, और आज मैं भी यूज कर रही हूँ। अच्छी बात भी है, और मुझे ये प्याज का टेस्ट पता नहीं कैसा होगा। तो रवि जो है उधर अपना लैपटॉप सेटअप में लगे हुए हैं, आज है सैटरडे, रवि की भी ऑफ है, फाइनली रवि बहुत टाइम के बाद फ्री हुए हैं, क्योंकि उनके ऑफिस के काम आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, काफ़ी बिजी थे वो। तो यस अभी हम मैं डालती हूँ इसलिए, हमारे फ्रेंड्स भी हैं तो मैं उनको भी खिलाऊंगी, आप देखना, तो मैं जब भी कुछ कुछ बनाऊंगी उनको भी खिलाऊंगी। डेली पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सबके जो है ना बिल्डिंग्स डिफरेंट है गाइस, मुझे भी बहुत काम है, डेली तो नहीं बना सकती, बट जब भी कुछ बेटर मतलब थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगी तो मैं खिलाऊंगी। नो शू क्या मैच नहीं करेंगे, वैसे निकालना पड़ेगा, निकाल दो बाहर ही, क्योंकि लग और ये कुकिंग हो। अभी ना हमारे पास थोड़ी कंटेनर्स कम है, बोल्स नहीं है, तो इवन मुझे ना इसको बॉईल करने में, फिर धुलने में, निकाल कर रखने में, ये तो मैं बड़ी प्रॉब्लम हुई है। और अभी इनिशियल डेज है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें जब आप ऐसे ऐसे करते कर सीखते हो ना, तब और मज़ा आता है। अभी यहाँ पे हाथ को बैठने में इन द सेंस की है, उसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट फाइनली आई एम कुकिंग, आई एम सो हैप्पी, आई एम proud of myself. Thank you, honey. पैसे तो बाबू कुछ छोड़ो, पैसे दे के टेस्ट भी मिले तो, टेस्ट भी मिले तो चलो चलता है। कल हम आए हैं 4,000 का खाना खाकर, और मैं क्या बताऊँ आपको, मन कर रहा था यार उतने में तो मैं खुद ही बना देती। आई एम सो सॉरी गाइज अगर आज की ब्लॉग थोड़ी लंबी हो जाए, बिकॉज मैं तो आपको पूरी एक्सपीरियंस अपनी दिखाने वाली हूँ, मज़े आ रहे हैं मुझे करके। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी मिलती है, बता रही हूँ मैं आपको, जो ग्रॉसरीज हम ऑलमोस्ट लाइक मैक्सिमम 4,000 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं वहाँ खरीदते हैं, यहाँ पर हमने 9,000 रुपये में ख़रीदा है, मेरे को अभी रियलाइजेशन हो रहा है और बहुत ही बुरा लग रहा है, बट क्या करें अब खरीदनी तो है ही, ऑप्शन नहीं है, बट इनको फ़ायदा बहुत है। आपने स्टोर देखा होगा, कितना छोटू सा स्टोर था, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि इंडिया में किसी विलेज में जैसा स्टोर नहीं होता, बेस्ट स्टोर था, लेकिन दे आर अर्निंग सो वेरी मच, आई एम टेलिंग यू। मेरी जो कुक थी ना, काला चना बहुत अच्छा बनाती थी, तो मैं उनको यहाँ पे थोड़ा मिस करूँगी, बहुत अच्छा बना दी थी, मज़ा आ जाता था। एक और चीज़ मैंने उडुपी में देखी, क्योंकि वो इंडियन रेस्टोरेंट है,
और यहाँ का अगर आप मतलब यहाँ पे जो सर्व करते थे वो, क्योंकि यहाँ के लोग शुगर और सॉल्ट काफ़ी कम खाते हैं, मतलब अगर आप इंडिया से तो आप एक्स्ट्रा लेकर खाओगे। तो मैंने जो रेस्टोरेंट में खा के देखा और जो ऑर्डर करके हम घर पे मंगाते, उसमें डिफरेंस ये था कि घर पे जो मंगाते उसमें सॉल्ट काफ़ी कम था, और जो रेस्टोरेंट में जाके हमने खाया, सॉल्ट की बात नहीं करूँगी, शुगर की करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा शुगर था भाई हर चीज़ में, लाइक कोल्ड कॉफ़ी से लेके टी से लेके लस्सी से लेके एवरीथिंग वॉज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्वीट। तो क्योंकि इंडियंस थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करते हैं सब कुछ के लिए। इंडियन कुकिंग में तो ऐसा होता है यार, इतना फैल ही जाता है, मैं क्या करूँ। सॉरी बाबू, इसी या तेज कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कितने पैसे ये बाकी बनने पे आपको कंटिन्यू करूँगी इस वीडियो को, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और स्पेस भी थोड़ा कम है। स्पेस कम नहीं है बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं बनता। ये देखो अंगूर, इसमें कुछ तो बीजों नहीं खाना है ना, क्योंकि मुझे खुजली हो गई खाकर। चना रेडी है, अब आई टेस्टिंग की बारी। तो मैं पहले टेस्ट करके एक बारी देख लेती कि कैसा हो रखा है, ये किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। देखकर तो मुँह में पानी आ रहा है। मैं रवि को टेस्ट करवाती हूँ, उनका फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इस घर में हमारी लक्ष्मी माता, हाय लक्ष्मी, भरपूर भरोसा है तुम्हारे पे, तुम्हारा कभी भी खराब नहीं बनता कुछ। पर ये गरम है, फूकना, फूक के खा। यम। इसे? दीदी जैसी। चल झूठे, यम्मी हो। पता नहीं, मुझे इस पे भरोसा नहीं है, झूठ बोलते हैं ये। अप टू द मार्क गाइस। तो आती है टेस्टिंग की बारी मेरी, और मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी। नो, इट्स गुड। थोड़ा नमक ज्यादा हो गया क्या? हाँ, बट नॉट बैड, बिना कुकर का बनाया है, सीटी लगानी पड़ती है इसमें। इट्स गुड, नॉट वेरी गुड। तेल भी कम है ना, ऑयल वाइल कम डाला है, तो इसलिए थोड़ा सा करेक्शन करती हूँ मैं। रुक जाओ, करेक्शन में मैं क्या करने वाली हूँ पता है आपको? मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मैगी मसाला। इसमें डालूंगी हल्का सा मैगी मसाला, ओके। एंड अरे यार, टमाटो सॉस नहीं मिला ना वहाँ पे, और बार बार मैं शुगर की जगह क्रीमर खोल देती हूँ ना, मैं थोड़ी शुगर ऐड कर देती हूँ इसमें, ताकि थोड़ी सी मिठास आएगी। मुझे अच्छा लगता है मिठास, आपको अच्छा लगता है कि नहीं आप भी बता देंगे। चलो, बन चुका है हमारा खाना, रेडी है। अब मैं करूँगी चूड़ा फ्राई, फिर हम खाएंगे उसके साथ। हैप्पी है बिकॉज रवि की जो है ये फेवरेट चीज़ है। बेस्ट पार्ट दिखा दूँ मैं आपको गाइस, खाना बनाते बनाते मौसम यहाँ इतना अच्छा हो गया है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन मौसम अच्छा नहीं हुआ है, अभी भी ह्यूमिड है, बट अभी तो मैं आपको हो रखा है थोड़ा मौसम, स्काई क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन बादल हैं, क्योंकि बादल ज़ोर ज़ोर से चीख रही हैं। और आप देख सकते हैं नीचे लोग मस्त स्विमिंग कर रहे हैं, वो देखो छोटा सा बच्चा है रवि, जैसे मैं आपको पकड़ के स्विमिंग नहीं करती हूँ वैसे वो उसकी मम्मा उसको करवा रही है। ये हैपनिंग जगह है इसलिए मैं इसे पसंद करती हूँ, और मेरा बेबी जो है वो किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं ना रवि एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ अपने चेहरे पे, कि मेरी स्किन ना काफ़ी वो लग रही है, क्लीन ना, अच्छी ना, क्लीन। मुझे भी सच बताऊँ मुझे कि गाइस मेरे ना क्लीन काफ़ी लग रहे हैं, थोड़ी ग्लोई से स्किन, बिकॉज मैं आपको रीज़न बताती हूँ, यहाँ पॉल्यूशन इज़ नहीं के बराबर। जो आप चीज़ें देख रहे हो यहाँ पे बाहर, जो चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही है, मैंने तो पोछ पाछ नहीं की है उसको। ये देखो एकदम हल्की सी है, ऐसे जैसे हम इंडिया में
क्लीन करने के बाद एक दिन छोड़ते हैं तो जैसा गंदा होता है ना, गंदगी होती है ना, वो यहाँ पे बहुत दिनों छोड़ने के बाद होती है। सोचो पॉल्यूशन लेवल यहाँ क्या है। सो यस बेबीज, माय बेबीज टू बिजी, इनका जो है ये सेटअप रेडी है गाइस। आई एम सो हैप्पी, नाउ ही विल बी एबल टू प्ले गेम्स। आर यू हैप्पी? यस, मैंने वायर कम से कम दिखे नीचे, मैंने काफी सॉर्टेड रखा है, बट है तो उसको क्या कर सकते हैं। काफी घर जो है हमारा मैस हो रखा है, तो अभी आज क्लीन करेंगे, अभी खाएंगे, उसके बाद चलेंगे नीचे स्विमिंग के लिए जाएंगे, उसके बाद आएंगे, फिर रेडी हो जाएंगे, फिर चलेंगे हम थोड़ा मॉल घूमने फिरने। हां बिल्कुल जाना चाहिए, मॉल मॉल घूमते रहना चाहिए। मैं जाऊंगी सिर्फ, रवि नहीं जाएंगे, और फिर उसके बाद घर हम वापस आ जाएंगे और सो जाएंगे। खाना लेकर मैं ना वहाँ बैठी हुई थी, मजे में खाऊंगी विद द व्यू, और इतनी तेज थंडर स्टॉर्म आई कि मैं भागी अंदर और सब गिर गया मेरे हाथ से। थंडर स्टॉर्म नहीं, लाइटनिंग एक्चुअली इतनी इतनी भयंकर हुई ना, यहाँ पे बहुत तेज लाइटनिंग होती है। अभी मैं आपसे बात करते करते लाइटनिंग दिखा सकती हूँ, कभी भी हो जाती है, और हवा के मस्त चल रही है। हवा चली। लोग एंजॉय कर रहे हैं। I just look at the view. It's like snow falling, man. Why does it look like this? लेकिन अब कोई स्विम नहीं कर रहे गाइस। यहाँ तक तो नहीं आता, बट थोड़ा बहुत आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इसको अंदर ही ले आओ, कपड़े कहीं गीले ना हो जाए। दो कपड़े तो हैं क्योंकि वो भी गीले हो जाएंगे तो सुखाना मुश्किल हो जाता है। वैसे बाहर बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, और मैं बस बैठ के खा ही नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा ही है, बट मन ऐसा हो रहा है ना कि अभी उठ के सब क्लीन करूँ, बट कोई बात नहीं, अभी करेंगे हम क्लीन। रवि यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, मैं रेडी हूँ जाने के लिए। मैं आपको दिखा दूँ मैं कैसे दिख रही हूँ। दिस इज माई लुक फॉर टुडे, बहुत सिंपल लुक है, बहुत जल्दी मैं हूँ, बस जाना है, कुछ काम है, काफ़ी लेट हो गया, घर सफाई कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, मेकअप कुछ भी नहीं करा है। ये जो आप मेरी स्किन पे रेड पैचेस देख रहे हो, ये स्किन केयर करने की वजह से हुआ है। सो नाउ आई एम गोइंग एंड रवि विल कम लेटर। उनको मैं मास्क दे दूँ? बेबी टेबल पे मास्क रखा है, ओके एंड लाइट रूम के सारे बंद कर देना, सारे नहीं हॉल का जितने। रात में जब पार्टी जानी है तो भी क्यों थकना, फिर मैं नहीं भी आ सकता। ओके फाइन, चलो मैं चलती हूँ फिर। ओके बाय बाय। चलते गाइस, पहले मैं अपने तुमसे कोई प्यार क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी वो है डेकोरेशन की आइटम्स। वेरी नाइस। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस ट्री एंड जस्ट लुक एट दीज प्लांट्स। Can you believe these are artificial?
गॉड, दिस इज डैम क्यूट। चाहिए था बट ये नहीं चाहिए था, ये तो मैं मारने के लिए ज़्यादा यूज़ करना पसंद करूँगी। यार बहुत हैवी है ये, सीरियसली कैसे बनाते हैं इससे ये लोग? आइकिया से आई एम बैक एंड अब क्लबिंग का प्लान है, तो लेट्स सी। अभी मैं अपने रूम पे जाने के बाद रेडी होकर हम नीचे यहीं कहीं मिलेंगे एंड उसके बाद हम बाहर जाएंगे, तो आपको बाकी सारी अपडेट्स भी देती रहूँगी टाइम टू टाइम। ओके बाय। मिलो हमारी नई गाड़ी से टेंचड़ा। जब इसको हम ओपन करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, अभी के लिए चलते हैं। हम पहुंच गए क्लब में। लेट्स गो। वो शूज़ पहन के नहीं आई थी तो उनको एंट्री एंट्री मिली थी, आज वो शूज़ पहन के आई है। लेट्स सी। हाय गाइस, तो सब लोग ऊपर चले गए हैं अपने रूम पे, बट मुझे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहीं पे आराम से बैठती हूँ फिर जाऊँगी, बट अब लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरी आँखें बार बार ही बंद हो रही है और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भी नहीं है मेरे अलावा, तो आई मस्ट गो एंड रवि को जगाना पड़ेगा। सो मैं थोड़ी देर और जाकर उधर झूले पे बैठती हूँ, वीडियो एक बार एडिट हो जाए तो रेंडर करके मैं अपलोड लगा कर नीचे से फिर ऊपर जाऊँगी। तो या लेट्स गो। इधर थोड़ी देर इधर बैठूँगी फिर जाऊँगी रूम पे, बिकॉज़ मुझे अपनी वीडियो रेंडर करनी है अभी के अभी। तो या फिर मैं नीचे जाकर बेसमेंट में बैठूँगी क्योंकि वहाँ पर फ्री नेट है और हमारे रूम पर भी वाईफाई नहीं लगा हुआ है, तो मैं वहाँ पे बैठूँगी थोड़ी देर अपलोड करके फिर रूम पे जाऊँगी रवि को कॉल करने के बाद। सो लेट्स गो।